बोरावार में हुए 71 लाख की लूट के मामले का नागौर एसपी गगनदीप सिंह सिंगला ने किया खुलासा। मामले के मास्टरमाइंड महिपाल सिंह यादव सहित कुल 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 29,48,600 रुपए किए बरामद। आरोपियों को कल न्यायालय में किया जाएगा पेश। खबर नागौर जिले के मकराना से, जहां 22 अप्रैल को बोरावर कस्बे में 71 लाख रुपए की लूट हुई थी। आरोपियों ने एटीएम से पैसे डालने वाली सीएमएस कंपनी की वैन को लूटा था, जिस पर पुलिस ने धारा 395 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया था। पुलिस अधीक्षक नागौर गगनदीप सिंह सिंगला ने बताया, मनोज इनके साथ बैठ के पूरी योजना बनाई, जिसमें सेवाराम ने, जो कि बीकानेर जनरली काम करता है और बीकानेर में ही इसकी अलवर वालों के साथ जान पहचान हुई, इसने ये इंश्योर किया भी जो लोग मैं प्रोवाइड करूंगा इस डकैती के लिए, आप पूरी योजना बनाएं। उसके बाद इन्होंने पूरी योजना को मूर्ति रूप दिया। करीब आज से 1.5 महीना पहले इन्होंने ये डकैती अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, पर किन्हीं कारणों से वो गाड़ी लेट हो गई या उस दिन वो आई नहीं, जिस कारण इनका वो प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके बाद 22 तारीख को ये मॉर्निंग में जो अलवर से चल के टीम आई, और उसके बाद मनोज ने और सेवाराम ने पहले रेकी की, और उसके बाद सेवाराम को गाड़ी में उनके साथ छोड़ दिया, और फिर गाड़ी में करीब 7 लोग थे जिन्होंने परबसर रोड पे इनको गाड़ी को टक्कर मारी, और इनके पास हथियार भी थे और इन्होंने कैश कैरी करके वहाँ से वो निकल लिए। अभी हमने जो 9 के 9 मुलजिम इसमें इन्वॉल्व थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे अनुसंधान जारी है। अभी तक 30 लाख की रिकवरी हमने कर ली है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त किया गया है और जो हथियार प्रयुक्त किए गए हैं, प्लस एक जो बैंक का गार्ड था जिससे 12 बोर की गन भी वो छीन के ले गए थे, उनकी रिकवरी अभी शेष है, जिसके लिए अनुसंधान अभी जारी है और आगे कार्रवाई की जाएगी।